please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार बनाएगी 50 लाख घर। गरीबों के लिए गांवों में 50 लाख घरों का निर्माण करेगी केंद्र। कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक देश भर में पूरा किया जाएगा। योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास 31 मार्च 2019 तक नए मकानों के निर्माण के लिए 1 करोड़ लक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। अमरपाली सफायर के घर खरीदारों को राहत, अमरपाली देगा 10 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने मंगलवार को 96 घर खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। अमरपाली को निर्देश दिया गया कि वो 10 करोड़ रुपए घर खरीदारों को घर मिलने से हुई देरी के लिए दंड के रूप में जमा करेगा। घर खरीदारों को अलग अलग हर्जाना मिलेगा एग्रीमेंट में लिखी कब्जे की तारीख के हिसाब से। घर खरीदारों को कंस्ट्रक्शन में हुई खराबी के लिए HDFC बैंक से मिलेगा इंश्योरेंस। घर खरीदारों को अब कंस्ट्रक्शन में बिल्डर द्वारा की गई गलतियों के लिए मिलेगा बीमा। HDFC आर्गो ने एक नई नीति शुरू की है जिसको बिल्डर द्वारा किए गए दोषों को सुधारने, इमारत की मरम्मत या मजबूत बनाने की लागत के लिए इंश्योरेंस दे रहा है। होमस्टेड इंफ्राटेक डेवलपमेंट के साथ ही मारिया शारापोवा पर भी होगा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज। होमस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ब्रांड एम्बेसडर मारिया शारापोवा हैं। कंपनी ने गुड़गांव में लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मारिया शारापोवा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 2012 में शारिया इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए इंडिया भी आई थी। मोदी सरकार कर सकती है एक और अहम फैसला, प्रॉपर्टी से आधार को जोड़ना अनिवार्य है। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब उसकी आलोचना इस तर्क पर की जा रही थी कि लोग अपना काला धन जमीन में लगा देते हैं, नगद के रूप में केवल गरीब अपना पैसा रखता है। मोदी सरकार के इस फैसले ने उस तर्क का जवाब दे दिया है।